नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अपडेट पर। सबसे पहले राजनीतिक खबर, राजधानी भोपाल से। संगठन को मजबूत करने में जुटा है कांग्रेस, युवाओं पर अब पार्टी का फोकस है और जमीनी स्तर पर एक्टिव नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। युवा कांग्रेस को यंग ब्रिगेड से जोड़ने के लिए पार्टी अब सक्रिय हुई है, खासतौर से युवा कांग्रेस अध्यक्ष मीतेंद्र सिंह इसको लेकर अब मंथन करेंगे। पीसीसी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि आज से लेकर दो दिनों तक बैठक और परिचर्चा पार्टी में जो यंग मेंबर्स हैं उन्हें किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, किस तरह से इसका लाभ लिया जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ मौजूदा चुनाव में जो पदाधिकारी एक्टिव नहीं रहे, जिन्होंने पार्टी में कार्य करने को लेकर उत्साह नहीं दिखाया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी पार्टी से निकाला जा सकता है। संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम कवायद की जा रही है, खासतौर से अब कांग्रेस में भी एक नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में कई सारी तब्दीलियां भी देखने को मिल रही है, जिसमें खास तौर से अगर बात करें तो फील्ड पर युवा नेताओं का खासा प्रभाव रहता है और ऐसे में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से युवा कांग्रेस में यंग ब्रिगेड को बेहतर किया जाए, जो कार्यकर्ता है उन्हें सक्रिय किया जाए। इसको लेकर मीतेंद्र सिंह जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अब मंथन करेंगे, चर्चा होगी और इस चीज़ को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हमारे सहयोगी दुर्गेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, युवा कांग्रेस को लेकर अब दो दिनों तक मंथन किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है पार्टी के अंदर खाने से, खासतौर से इस बात को लेकर कि संगठन में युवाओं की क्या भूमिका तय की जाएगी इसको लेकर? पार्टी की जिस तरीके से बैठकें हुई अभी हाल ही के दिनों में, उसके बाद जो यूथ कांग्रेस है वो यूथ कांग्रेस भी सक्रिय हुई है। मध्यप्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मितेंद्र दर्शन सिंह यादव, उनकी अगुवाई में ये दो दिन बैठकों का दौर चलेगा पीसीसी दफ्तर में, और पीसीसी दफ्तर पर हम इस समय मौजूद है जहां कार्यकर्ताओं को आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ये बैठक दोपहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक शुरू होगी और बैठक में रणनीति बनाई जाएगी आगे के आंदोलनों को लेकर के, इस प्रकार से जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस और उनके कार्यों का रिव्यू किया जाएगा, उनसे सुझाव लिए जाएंगे और उनसे वन टू वन संवाद किए जाएंगे। खासतौर पर जो जिला अध्यक्ष है यूथ विंग के और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे मितेंद्र दर्शन सिंह यादव वन टू वन संवाद करेंगे। उसके साथ ही जो प्रदेश भर के युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है, और बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है अभिषेक कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी तक कमजोर नजर आती दिखाई दे रही थी, बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रही थी, तो मितेंद्र दर्शन सिंह यादव का कहना है कि आगे के आंदोलनों की रणनीति बनाई जाएगी, संगठन को किस तरीके से गति दी जाए, संगठन को किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए उस संदर्भ में चर्चा होगी। हालांकि अभी जो पुरानी टीम है युवा कांग्रेस की, जो विक्रांत पुरिया जब अध्यक्ष थे उनकी जो टीम है उनकी टीम से ही मितेंद्र दर्शन सिंह यादव अभी काम निकालेंगे। उनका कहना है कि अगस्त तक जो युवा कांग्रेस के कार्यकारिणी है, नई कार्यकारिणी है, उसको तैयार किया जाएगा, उन लोगों को रखा जाएगा जो सक्रिय हैं, उन लोगों को रखा जाएगा जिनके कार्य अच्छे होंगे, जिनके आंदोलनों में सहभागिता होगी, और जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उन निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी करेंगे संगठन। तो कुल मिलाकर के हम बात करेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस मध्यप्रदेश कांग्रेस का जो संगठन है, जीतू पटवारी ने अभी हाल ही में बैठक बुलाई थी, उसके बाद जो यूथ विंग की बैठक है, उसके बाद ही जो विभिन्न प्रकोष्ठ है, चाहे महिला प्रकोष्ठ हो, फिर जो विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए गए हैं उन प्रकोष्ठों की बैठक होगी। कहीं ना कहीं मतगणना के पहले और रिजल्ट चुनाव परिणाम के पहले कांग्रेस की ये बैठकों का दौर लगातार अब चलता रहेगा और
आने वाले चुनावों को लेकर के, आने वाले संगठन को मजबूती देने को लेकर के, तमाम तरह की बातों को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। अभिषेक, अब देखना दिलचस्प यही होगा जबकि दो दिवसीय मंथन चलेगा तो इस मंथन में से आखिर रस क्या निकलता है अभिषेक। निश्चित रूप से दुर्गेश, और साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि जो मंथन होगा उसमें इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जो पदाधिकारी चुनाव में एक्टिव नहीं थे उन्हें पार्टी से निकाला जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि लगातार शिकायत रही है कि जब चुनाव होते हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या पद देने की बात आती है तो यूथ कांग्रेस को उतनी तरजीह नहीं दी जाती, जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं पदाधिकारियों में भी एक तरह की निराशा। क्या ये एक बड़ा कारण है जो बात कही जा रही है कि जो इनएक्टिवनेस है पदाधिकारियों में, अब उन पर कार्रवाई तो होगी लेकिन इस इनएक्टिवनेस की वजह ये भी है कि जब पद की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है तो उन्हें जो है प्राथमिकता नहीं दी जाती और इस तरह की शिकायतें लगातार कांग्रेस के खेमे से आती रही हैं। नहीं, अब से एक सवाल जायज है आपका, जिस तरीके से ये चर्चाएं उठी थी और जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष थे कमलनाथ, उनके जमाने में जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर रखा गया था। अब जब चूंकि जीतू पटवारी भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और जब वो अध्यक्ष रहे थे, वो जो उनकी टीम थी, वो उनकी टीम के जो आज सक्रिय कार्यकर्ता रहे वो आज हाशिए पर रहे। यही वजह है कि जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बने, वो विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का जब दौरा करने, प्रचार प्रसार करने निकले, तो वो जो पुरानी टीम थी जीतू पटवारी की, युवाओं की पुरानी टीम थी, वो कहीं ना कहीं सक्रिय हुई है। जीतू पटवारी का भी कहना है कि जब नया संगठन बनेगा, संगठन में नई नियुक्तियां होंगी, तो जो पुराने लोग हैं कम से कम 50 युवाओं से अधिक, जो 50% से अधिक युवाओं को जोड़ने का, पार्टी से उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का जो लक्ष्य रखा है, कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे जिनको उपेक्षित किया जा रहा था, अब उनको मौका मिलेगा और नई युवा टीम के साथ प्रदेश कांग्रेस का संगठन जो है, चाहे वो मेन बॉडी हो फिर चाहे विभिन्न प्रकोष्ठ हो, उसमें आपको आधे से अधिक 50% से अधिक युवाओं को जिम्मेदारी मिलेगी और वो जिम्मेदारियों का निर्माण करते दिखाई देंगे। अब से बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जानकारी के लिए। तो यूथ कांग्रेस को लेकर कांग्रेस खेमे में ये नई पहल की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका लाभ पार्टी को मिल सके। इसको लेकर मितेंद्र सिंह अब मंथन करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मंथन से क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं।